सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, नरेगा की जो पेमेंट डिटेल है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस आदमी की कितनी मजदूरी लगी है वो कैसे आप चेक करेंगे, और किसको कितने पैसे मिले हैं वो कैसे आप चेक करेंगे, और आपको खुद कितनी जो है दिहाड़ी मिली है, पैसे मिले हैं, कितनी आपकी दिहाड़ी लगी है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। ग्राम प्रधान ने या ग्राम सरपंच ने किस आदमी की कितनी एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगाई है, किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे भेजे हैं, वो सब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो वो सब कैसे आपको चेक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी पेमेंट डिटेल स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नरेगा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ आप नीचे आएंगे और इसमें आपको एक जगह पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिलता है, और यहाँ आपको मिलता है जॉब कार्ड्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिल गया, इसी के साथ में आपको यहाँ पे जॉब कार्ड्स का ऑप्शन एक मिल जाता है। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको खोल लेना है। इसको जब आप खोल लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी राज्यों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको इस लिस्ट में से ये दो लिस्ट आ जाती हैं, इनमें आपको अपना जो आपका राज्य है अपना राज्य आपको चुन लेना है। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में चुन लूँगा। तो यहाँ पर कोई सा भी आप राज्य यहाँ से चुन सकते हैं अपना, जो भी आपका राज्य है। तो यहाँ हमने उत्तर प्रदेश चुना, तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं एक ये दोबारा से ये बना हुआ आ गया है, और यहाँ हमें अपनी जो भी जानकारी हमें यहाँ पूछ रहा है वो फिर हमें भरनी है। तो हम ये जानकारी भरते हैं इस तरह से, जैसे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है कि किस साल की आपको ये डिटेल चेक करनी है। तो हम 2021-22 इसमें सेलेक्ट करेंगे, आपको जिस साल की चाहिए उस साल की आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक, फिर यहाँ एक ब्लॉक की लिस्ट आ जाती है इस तरह से। तो ब्लॉक यहाँ से आप चुन लेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत आपको चुन लेनी है, पंचायत इस तरह से ये पंचायत की लिस्ट आ गई है। तो पंचायत हमने चुन लिया है। अब दोस्तों, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड का ये बटन दबाते ही इस तरह का आपके सामने एक पेज आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, इस गांव में जितने भी लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं सबके नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये उनके जॉब कार्ड नंबर हैं, और इतने सारे लोगों के यहाँ जॉब कार्ड बने हुए हैं जिनकी पूरी लिस्ट यहाँ दिखा रहा है। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, उसके बाद जिसकी भी पेमेंट डिटेल देखनी है उसके जॉब कार्ड पर आप क्लिक कर लेंगे, ये फिर आप अपना नाम यहाँ से ढूंढेंगे और अपने जो आपका जॉब कार्ड नंबर है उस पर क्लिक करने के बाद अपनी जो आपकी डिटेल है वो आपको दिखेगी। तो कोई सा भी एक जॉब कार्ड नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है, या फिर अपने नाम के आगे का जॉब कार्ड नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, और जैसे कि यहाँ बैंक कौन सा आपने लिंक किया है तो वो आपको दिख जाएगा, लेकिन आपकी पेमेंट कितनी आई है वो आपको इसी में नीचे दिखेगी। और इसमें आपने नीचे आना है, और जो आपके लास्ट ईयर यानी कि जिस साल के आप पेमेंट चेक कर रहे हैं इसमें आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14/6/2020 दिखा रहा है, लास्ट जो इसमें काम हुआ है 14/6/2020 को हुआ है, और 7 दिन का उसमें काम हुआ है, और इस काम का नाम ये आप देख सकते हैं, काम का नाम ये है। अब दोस्तों, इस काम के आपको पेमेंट कितनी मिली है और कितने दिन की दिहाड़ी है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 7 दिन की दिहाड़ी आपकी और आपको जो पेमेंट मिली है वो ये पेमेंट आपकी मिली हुई है। अब दोस्तों, आपको इस काम के लिए कितने लोगों को पैसे मिले हैं और किन किन लोगों की कितनी कितनी दिहाड़ी इसमें लगी हुई है कैसे आपको चेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर आपको मिलता है, ये आपकी दिहाड़ी हो गई, इतने आपको पैसे मिले हैं, और उसी के आगे एक और नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का ये पेज खुल जाता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, फिर से वही नंबर जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1545 वो नंबर था, इसी 1545 पर आप क्लिक कर देंगे वापस से दोबारा। अब आपके सामने एक और नई लिस्ट खुल जाती है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, एक नई लिस्ट यहाँ खुल चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं किन किन लोगों को पैसे मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लिस्ट आ जाती है, इसी तरह ये 6 लोग हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं, नाम भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, और उसके बाद कितने कितने इनकी दिहाड़ी लगी है आप देख सकते हैं, इनकी 6 दिहाड़ी लगी है, इनकी 5 लगी है, इनकी 2 लगी है, इनकी 7 लगी है, इनकी 10 लगी है, और इनकी 3 लगी है। तो सबकी कितनी कितनी दिहाड़ी लगी है और उसके बाद उनको पैसे कितने मिले हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनको यहाँ पर उनके पैसे हैं कि कितने पैसे उनको मिले हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिले हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जिसकी 10 दिन की दिहाड़ी लगी है उनको जो है कितने पैसे मिले हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस आदमी की कितनी जो है दिहाड़ी लगी है, कितने पैसे मिले हैं, और अकाउंट में किस डेट को पैसे आए वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अकाउंट में पैसे आए जिस डेट को, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप पैसे आए हैं, कितने आए हैं, किसके अकाउंट में आए हैं और किस किस को कितने कितने दिनों की दिहाड़ी मिली है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं नरेगा में कि आपकी कितनी दिहाड़ी लगी है और आपको कितने पैसे मिले हैं और लोगों को कितनी कितनी दिहाड़ी उनकी लगी है, कितने दिनों के पैसे मिले हैं और कितने पैसे मिले हैं, ये पूरी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर ग्राम प्रधान ने कोई इसमें चालाकी करी है, किसी की ज़्यादा दिहाड़ी लगाई है और अगर आपकी कम दिहाड़ी लगाई है और किसी और की ज़्यादा लगाई है, किसी और को ज़्यादा पैसे मिले हैं या कम मिले हैं, तो वो आप पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप नरेगा की जो पूरी जानकारी है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और अगर नरेगा से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।